ये तो हम सभी जानते हैं कि 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। वहीं जहां अब हम रहते हैं डायनासोर्स रहा करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया कि डायनासोर्स का वजूद ही खत्म हो गया और ये इनका वजूद स्पेस से गिरे एक मेटेराइट की वजह से हुआ। तो इस हवाले से एक क्लियर पिक्चर सामने आने लगी है कि जमीन से 6 करोड़ साल पहले टकराने वाला ये मेटेराइट आखिर किस कदर खतरनाक था। डायनासोर समेत जमीन की 75% स्पीशीज का खात्मा कर देने वाला ये पत्थर जिस जगह जमीन से टकराया तबाही फैलाने के लिए इससे ज्यादा खतरनाक जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। और इसके अलावा इसका जमीन से टकराने का एंगल भी सबसे डेडलिस्ट था। कंप्यूटर सिमुलेशन और इस घड़े की जगह पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि टकराने वाला ये पत्थर जमीन के सरफेस से 60 डिग्री के एंगल से टकराया जिससे एनवायरनमेंट को एक्सट्रीमली नुकसान हुआ। दरअसल जब मेक्सिको में जिन चट्टानों पर ये पत्थर टकराया इनमें मादनी जिप्सम की वजह से सल्फर या गंधक की बड़ी मिकदार मौजूद थी। तो जब ये मवाद फिजा में ऊपर तक बुलंद हुआ और आबी बुखारात के साथ मिला तो इसने ग्लोबल विंटर को जन्म दिया। और टकराव के एंगल ने ये यकीनी बना दिया कि ये एनवायरमेंटल क्राइसिस शदीद तर और तवील तर होंगे। 45 से 60 डिग्री की एंगल पर टकराव चट्टानों को बुखारात में तब्दील करने और मलबे को फिजा में उछालने में बेहतरीन काम करता है। अगर टकराव इससे कम या इससे ज्यादा एंगल पर हो तो जितना मैटर फिजा में पहुंचेगा वो इस कदर ही क्लाइमेट चेंजिंग की वजह नहीं बनेगा। तो ये तो कंफर्म है कि जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ इसके लोकेशन और टकराव के एंगल ने मिलकर एक भयानक तूफान पैदा किया और आखिरकार जमीन पर मौजूद पौधों और जानवरों ने इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात के सामने घुटने टेक दिए। तो क्या आप जानते हैं आज 200 किलोमीटर पे फैला ये गड़ा मेक्सिको के आइलैंड योक्तान के नीचे है और इसका सबसे महफूज सेंट्रल पार्क चेक्सलोप की बंदरगाह से थोड़ा दूर ही मौजूद है। तो ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि इतना बड़ा गड़ा पैदा करने के लिए आखिर किस कदर फोर्स लगी होगी। इस मेटेराइट के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसका डायमीटर 12 किलोमीटर था और इसने जमीन की सबसे ऊपरी सरफेस में तकरीबन 30 किलोमीटर गहरा सुराख कर दिया था। जब इस प्याले नुमा गड़े की बेस में मौजूद पत्थर पिघले तो उन्होंने चंद ही मिनटों में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बुलंद पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन ये बाकी भी ना रह सका और वापस ढह गया और बाकियात के तौर पर चोटियां छोड़ दी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है चेक्सलोप पर डिफरेंट ढांचों का ढेर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गड़े के दरमियान में देखें इसकी चोटियों के हल्के और इसी उठी हुई चट्टान को देखेंगे जो जमीन के नीचे मौजूद है तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के ऐन ऊपर मौजूद नहीं है। ये असल में नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के सिम्ट में मौजूद है और गड़े का मदार चोटियों के हल्के के दरमियान है। तो ये सारा का सारा मसला जानने के लिए ये जरूरी है कि मेटेराइट आखिर किस सिम्ट से आया और जमीन से किस एंगल से टकराया। तो गड़े का एक्चुअल स्ट्रक्चर सिमुलेशन में सिर्फ तभी हाजिर हो सकता है जब ये मेटेराइट नॉर्थ ईस्ट के सिम्ट से आए और 60 डिग्री के एंगल से जमीन से टकराए। टकराव की सिम्ट जानने का मतलब है कि हमें अब ये मालूम है कि उस जगह के कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा था। तो लिहाजा 60 डिग्री का एंगल उन बदतरीन एंगल्स में से है जो बड़ी तादाद में गंदक की चट्टानों को बुखारात में तब्दील करके फिजा में पहुंचाने की सलाहियत रखता था। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि ये मेटेराइट इतनी सारी डेथ की वजह आखिर बना कैसे। तो अब ये सब जानने के लिए साइंटिस्ट ने चेक्सलोप गड़े में खुदाई की है ताकि इनमें से एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पत्थर हासिल किए जा सके और इसके बाद एक हाई रेजोल्यूशन सेस्मिक सर्वे भी किया जाएगा जो कि इस पूरी जगह की एक क्लियर पिक्चर सामने लेके आएगा।